भाई साहब आप बताइए 2022 में आप किसे लखनऊ भेजेंगे? वही जाएं जो सबका साथ सबका विकास हो और सबको एक साथ लेकर चलें, ना हिंदू मुस्लिम के इजात पात नहीं होना चाहिए। माता जी आप बताइए 2022 में आप किसे लखनऊ भेजेंगे? किसी को भी नहीं, हम खुद जाएंगे। क्या बात करिए आप, हम खुद जाएंगे, हम भी तो इंसान हैं, हम कोई हैवान थोड़ी है। जैसे वो और लोग हैं मंत्री या नेता लोग, ऐसी हम भी है, हम भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सीने में भी दिल है, हम भी जा सकते हैं। 2022 में आप किसे लखनऊ भेजना चाहेंगे? जो ईमानदारी से काम करेगा उसको सही करेंगे। तो आपकी नज़र में कौन ऐसा है जो ईमानदारी से काम करेगा? विचार कर ही रहे हैं सभी, तो ईमानदारी देख रहे हैं अभी, कौन सही चल रहा कौन नहीं, उसी को भेजेंगे। तो जो योगी सरकार है वो ईमानदार दिख रही है आपको कि नहीं? ईमानदारी तो नहीं लग रही है। आप बताइए दद्दू आप किसे 2022 में लखनऊ भेजेंगे? ये जानते हैं कि हम आर्मी में हैं, अब रिटायर चल रहे हैं, हमें जो पहले नहीं मिला था वो हमें अब मिल रहा है, तो हम अभी तो यूपी में हैं, हो सकता है केंद्र में पहुंच जाए। तो युवा क्या सोचते हैं, बेरोजगारी को किस नज़र से देखते हैं? आप भी एक युवा हैं, क्या कहेंगे? अरे मोदी जी आना चाहिए, योगी जी आना चाहिए। अच्छा योगी जी का कौन सा काम काज आपको बेहतर लगा कि योगी जी आना चाहिए? मुझे सब काम बढ़िया लगा है। उन्होंने मुझे गैस सिलेंडर दिया और मतलब राशन पानी दिया। आप बताएं भाई साहब आप क्या कहेंगे 2022 में आप किसे लखनऊ भेजेंगे? हम तो उसको ही भेजना चाहेंगे जो जातिवाद को मेन मुद्दा ना मान के और जो इंसानियत और मानवता के लिए जो लड़े और जो बेरोजगारी दूर करे, गैस की महंगाई कम करे। आप क्या कहेंगे चचा 2022 में आप किसे लखनऊ भेजेंगे? अरे भैया अब देखो कौन जाता है, क्या पता लगता है, देखेंगे। आप किसे भेजेंगे ये बताइए? हम तो जिसको भेजेंगे जो चुन के आएगा वो देख ही लेंगे हम लोग। आपको भी तो चुनना है, आप किसे चुनेंगे? अखिलेश यादव को चुनेंगे। अखिलेश जी का काम बोलता है, काम करा उन्होंने, ऐसी बात नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी उनके दौर में। आप बताएं भाई साहब 2022 में आप किसे लखनऊ भेजेंगे? अखिलेश यादव को। अच्छा अखिलेश यादव को भेजने के पीछे कोई वजह है या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, बहुत वजह है उनके काम काज है। 108 ले लो आप, 102 नंबर ले लो आप, पुलिस हेल्पलाइन ले लो, सब उन्हीं की चलाई हुई है। योगी जी ने कराई, गया कुछ नहीं करा, 5 साल हो गए।